अब हम एक केस देखेंगे जिसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो एक 80 साल फीमेल हमारे पास आई जो कि ड्राउजी स्टेट में थी, अब हम एक केस के बारे में देखेंगे। तो एक 80 साल फीमेल हमारे पास आई जो कि ड्राउजी स्टेट में थी, नोन केस में हाइपरटेंशन था, आईएचडी था, रेगुलर मेडिकेशन पे थे। पेशेंट का कंप्लेंट था कि डिक्रीज यूरिन आउटपुट, हाइपोटेंशन और ड्राउजीनेस। तो ड्राउजीनेस जो था वो 2 से 3 दिन से था, उसके साथ साथ डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और उन्होंने फैमिली फिजिशियन को दिखाया था तो उसने कहा था कि पेशेंट को हाइपोटेंशन है, आप हॉस्पिटल लेके जाइए। ईसीजी निकाला तो उसके अंदर कोई भी फ्रेश चेंजेस नहीं था। एबीजी निकाले तो एबीजी में हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने मिला, जिसके साथ साथ CO2 नार्कोसिस था। CVP मेजर किया गया, सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजर किया गया, तो पता चला सेंट्रल वेनस प्रेशर 30 सेंटीमीटर था। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए या कैसे प्रोसीड करना चाहिए वो चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर पेशेंट ड्राउजी स्टेट में है 2-3 दिन से, तो हमें 2-3 चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहले चेक करना है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया है, पेशेंट को हाइपोनाइट्रेमिया है, स्ट्रोक का कोई प्रॉब्लम है, फॉल का हिस्ट्री है, पेशेंट का इंटेक कैसा है, ये सब चीज पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। पेशेंट अगर हाइपरटेंशन है तो क्या हो, उसने मेडिकेशन ज्यादा लिया है जिसकी वजह से पेशेंट ड्राउजी हो गए हैं, ये चीज के बारे में भी पता होना जरूरी है। और पुराना उनको इस्केमिक हार्ट डिजीज है तो कहीं दूसरा फ्रेश अटैक तो नहीं आया है, ये चीज के बारे में पता होना जरूरी है। कंप्लेंट से पता चला कि पेशेंट का आउटपुट कम है, पेशेंट को हाइपोटेंशन है और पेशेंट ड्राउजी है। तो मोस्टली पेशेंट का अगर यूरिन आउटपुट कम है और पेशेंट को हाइपोटेंशन है तो सेंट्रल वेनस प्रेशर के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। सेंट्रल वेनस प्रेशर पता होने से हम फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके साथ साथ वैसोप्रेसिन का भी यूज अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ ड्राउजीनेस होने का एक और कारण होता है जो कि होता है CO2 नार्कोसिस या फिर इंक्रीज CO2 एक्यूमुलेशन। तो CO2 अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है लंग्स में तो उसके वजह से भी पेशेंट ड्राउजी होने लगते हैं। तो ABG करने से हमें पता चला कि पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है, यानी कि उसका pH जो है वो कम है 7.3 से। उसका जो PCO2 का लेवल है वो ज्यादा है 45 mm से, और पेशेंट में CO2 नार्कोसिस है, यानी कि CO2 का एक्यूमुलेशन है वो 80-90 से ज्यादा होगा। तो पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है और CO2 नार्कोसिस में है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहला पेशेंट को आइडियली हमें वेंटिलेट करना काफी ज्यादा जरूरी है, मतलब वेंटिलेटर पे रखना काफी ज्यादा जरूरी है। वेंटिलेट करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पेशेंट को O2O है कम अमाउंट में दिया जाए, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा CO2 वॉश आउट हो जाएगा। इसके साथ साथ सेकेंड चीज है सेंट्रल वेनस प्रेशर के, जैसे कि हम देख सकते सेंट्रल वेनस प्रेशर 30 से ज्यादा है, यानी कि पेशेंट को डायूरेटिक देना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाइपोटेंशन होने की वजह से हम पेशेंट को डायूरेटिक पहले नहीं दे सकते, तो हाइपोटेंशन होने की वजह से पेशेंट को सबसे पहला वैसोप्रेसिन या फिर आयनोट्रोपिक सपोर्ट पे रखना जरूरी है। आयनोट्रोपिक सपोर्ट पे रखने के बाद जब BP स्टेबिलाईज हो जाएगा या एक नॉर्मल रेंज तक आ जाएगा तो उसके बाद हम डायूरेटिक का यूज करके फ्लूइड एक्यूमुलेट जो हुआ है बॉडी में वो उसे निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी लैब के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंगली हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को वेंटिलेट करना, CO2 वॉश आउट करना, और दूसरा चीज है कि अकॉर्डिंग टू CVP पेशेंट का ब्लड प्रेशर और इंटरनल बॉडी वाटर है उसको लेवल में लेके आना, ये काफी ज्यादा जरूरी है।